नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस अकेडमी की एप्लीकेशंस पर। दोस्तों आप सभी को पता है कि यहाँ पर एमपीपीएससी मेंस का पेपर थर्ड चल रहा है और पेपर थर्ड की सारी यूनिट आपको टू द पॉइंट कवर कराई जा रही है जीएस जीनियस अकेडमी पर। दोस्तों सबसे पहले हमारी सेवंथ यूनिट चल रही है और सेवंथ यूनिट का सिलेबस जो 2020 के पाठ्यक्रम के अनुसार है वही आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी तक अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, साथ ही साथ प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन जीएस जीनियस अकेडमी को डाउनलोड करें और अभी आप सारी की सारी चीजों को बिल्कुल 60% डिस्काउंट में परचेज कर सकते हैं। ये ऑफर एक दो दिन के लिए, कभी भी ये समाप्त हो सकता है। चलिए दोस्तों तो हम देखते हैं सिलेबस में हमने क्या क्या कवर कर लिया है। सेवंथ यूनिट के सिलेबस में हम मानव जीवन पर विकास के प्रभाव, स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाएं, ये कवर कर चुके हैं क्योंकि ये इन्हीं के अंदर लिखना है हमें। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हमने रिमोट सेंसिंग कवर कर लिया, भूस्थिर उपग्रह कर लिए, प्रक्षेपण यानों की पीढ़ियां कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्ले स्टोर से जाकर एप्लीकेशन में ये सारी चीजें देख सकते हैं। साथ ही साथ जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा, स्वास्थ्य चिकित्सा, पशुपालन, पर्यावरण के क्षेत्र में इनके हमने उपयोग देख लिए हैं, पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। क्लोन्स पढ़ लिया हमने, क्लोन क्या होता है, पहला क्लोन कौन सा बना, किसने बनाया, कैसे हुआ, ये सारी चीज हम पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि AI कैसे बनती है, बुद्धिमान मशीनें कैसे बनाई जाती हैं। तो दोस्तों आज हमें पढ़ना है बौद्धिक संपदा के अधिकार एवं पेटेंट IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होते हैं, इस पर चर्चा करनी है। साथ ही साथ इनको संरक्षण देने के लिए TRIPS और BIPO बनाए गए हैं, उन पर भी चर्चा करनी है। तो चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं बौद्धिक संपदा के अधिकार। ये मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, टू द पॉइंट, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर में जैसा पूछेगा आपसे, जैसा UPSC में पूछा जाता है, वो सारी की सारी चीजें आपको यहां प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, पढ़ते रहिए, आप अपने सपने को पूरा कर लोगे दोस्तों। तो बौद्धिक संपदा अधिकार आखिर क्या है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बौद्धिक संपदा अधिकार में हमारा सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या क्या है, फिर देखेंगे इस पर। बौद्धिक संपदा अधिकार के अंदर हमारा सिलेबस है दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिचय, इंट्रोडक्शन, क्या आखिर बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होते हैं, कैसे हम इन्हें बेच सकते हैं, कैसे इन पर संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे पेटेंट क्या होता है, आखिर आपने कोई नई चीज़ बनाई तो उस पर पेटेंट कैसे लिया जाए, कौन संरक्षण देगा, कौन सा मंत्रालय है, पेटेंट के लाभ क्या हैं, पेटेंट के नुकसान क्या हैं, ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे हम। हम पढ़ेंगे कॉपीराइट क्या होता है, अगर आपने कोई साहित्य का सृजन किया, कोई भी चीज़ बनाई तो उस पर कॉपीराइट किस पर लगाया जाएगा, साथ ही साथ कितने वर्षों के लिए कॉपीराइट मिलता है, क्या आप दूसरे की कॉपीराइट की हुई चीज़ को आप ले सकते हैं, ये भी देखेंगे। ट्रेडमार्क, आखिर देखेंगे ट्रेडमार्क क्या होता है, कैसे कोई कंपनी अपना लोगो डिजाइन करवाती है, कैसे ट्रेडमार्क डिजाइन करवाती है। उसके बाद हम देखेंगे भौगोलिक डिजाइन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जैसे बालाघाट के चिन्नौरी चावल को GI टैग मिला, या मथुरा के पेड़े आ जाएंगे, नागपुर के संतरे आ जाएंगे, तो GI टैग क्या होता है ये बात करेंगे हम। औद्योगिक डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन दोस्तों बहुत जरूरी होती है, आपने देखा होगा हार्ले डेविडसन की बाइक अलग रहती है, हायाबुसा अलग रहेगी, पल्सर अलग रहेगी, यामा की अलग रहेगी, तो औद्योगिक डिजाइन किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं, क्या होते हैं, पेपर में कैसे प्रश्न आएगा, 5 नंबर में, 3 नंबर में, 11 नंबर में, ये सब आपको यहाँ पर मेंस के हिसाब से कवर कराया जाएगा। साथ ही साथ व्यापार गोपनीयता, ट्रेड सीक्रेट, मान लो आपने कोई भी IC चिप बनाई और IC चिप की जानकारी दूसरे वर्कर ने तीसरी कंपनी को दे दी, आपका लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा क्योंकि आपकी कंपनी तो उसी पर टिकी हुई है। शराब बनाने की कोई प्रक्रिया है, आपकी नई शराब आने वाली है, वो प्रक्रिया किसी ने चोरी कर ली, ये होती है ट्रेड सीक्रेट्स, गोपनीयता, हम बात करेंगे इन पर भी। साथ ही साथ विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी को संरक्षण देने के लिए किस प्रकार से एक संस्था बनाई जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, कैसे उन्होंने संधि की, कौन कौन सी संधि आई। उसके बाद हम बात करेंगे TRIPS, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट पर बात करेंगे कि भैया इंटेलेक्चुअल मेजरमेंट क्या होते हैं। फिर हम बात करेंगे ट्रेड रिलेटेड IPS मतलब TRIPS की बात करेंगे, TRIPS की बात करेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे BIPO पर, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से संरक्षण प्रदान करता है। तो ये सभी हमारा क्या है, सिलेबस है दोस्तों, किसका, बौद्धिक संपदा अधिकार का, ये सभी हमें इसके अंतर्गत पढ़ने हैं। अब आपका सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं या आपका अभी अभी प्री निकला है, आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपको कहीं भी थर्ड पेपर नहीं मिलता, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, सर ये सिलेबस टू द पॉइंट है। तो बिल्कुल टू द पॉइंट है, मैंने आपके सामने बता दिया है हर एक चीज में, आपको बिल्कुल आप सिलेबस रखो और यहां मैच करते जाओ। अब सर बौद्धिक संपदा अधिकार होता क्या है,
उससे पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कि भाई संपदा क्या होती है, संपत्ति क्या होती है। अगर मैं आपसे तीन नंबर में परिभाषा पूछूं कि आखिर ये संपत्ति क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे, पहले आप बोलने की कोशिश करो, अगर आपको नहीं आती तो संपत्ति क्या है? संपत्ति एक प्रकार के अधिकारों का समूह है। मान लो ये घड़ी है, घड़ी ये मेरी संपत्ति है या नहीं है? मेरी संपत्ति है, ये अधिकारों का समूह है मेरा। मैं इसे बेच सकता हूँ, किराए पर दे सकता हूँ और धन का सृजन कर सकता हूँ। तो संपत्ति क्या होती है, चलिए एक एक चीज़ को अब हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत संपत्ति। संपत्ति क्या होती है, तब तो हम बौद्धिक संपदा देखेंगे। संपत्ति का मतलब होता है अधिकारों का समूह, बंडल ऑफ राइट, जिसका उपयोग करके धन का सृजन किया जाता है। संपत्ति है, आप अपनी गाड़ी बेचकर रुपये कमा सकते हो, आप अपना मकान किराए पर देकर मकान रुपए कमा सकते हो। तो इस प्रकार क्या होता है, संपत्ति मतलब अधिकारों का समूह, वो कहलाती है आपकी संपत्ति। इसे आप बेच सकते हो, किराए पर दे सकते हो। लेकिन बौद्धिक संपदा क्या होती है? अब आप संपत्ति तो आपको दिख रही है, आपकी घड़ी आपको दिख रही है, लेकिन बौद्धिक संपदा क्या है? बौद्धिक मतलब बुद्धि, आपकी बुद्धि के द्वारा, आपके मस्तिष्क के द्वारा जो भी रचनात्मकता का सृजन किया जाता है, जो भी नवाचार किया जाता है, वह बौद्धिक संपदा कहलाती है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, अब मान लो आप और आपके चार पांच फ्रेंड हैं। अब चार पांच फ्रेंड में से आपने सोचा मैं कुछ नया करूंगा, नई चीज़ बनाऊंगा। आप रूम में बंद हो गए, आपने एक साल तक बढ़िया कुछ नया रिसर्च किया, आपने एक ऐसा पेन बनाया जिसे क्या करते हैं, एक साल की मेहनत है आपकी, आपने दुनियादारी पे फोकस नहीं किया। आपके दोस्त पब में जा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मस्त घूम रहे हैं, दोस्तों के साथ में मजे कर रहे हैं और व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, इंस्टा पे डाल रहे हैं, और आप उस समय कमरे के अंदर बैठकर रिसर्च कर रहे हो आपकी बुद्धि के द्वारा कि ये ऐसा पेन बनाना चाहता हूं मैं कि जिससे लिखा जाए और पेपर में पास हो जाए, मतलब आपको अपने आप याद आता जाए, ऐसा पेन बना दिया आपने एक साल मेहनत करके, आपके दोस्त मजे कर रहे हैं। अब आपने ये बनाया पेन, तो ये आपकी बुद्धि थी, रचनात्मकता थी, आपने रचनात्मकता के द्वारा एक नई चीज़ का सृजन कर दिया, ये बौद्धिक संपदा है आपकी। अब आप मान लो ये पेन बाजार में लेकर आते हो, आपके दोस्त इसे चुरा लेते हैं और नया पेन बनाकर मार्केट में बेच देते हैं, तो आपकी इतनी मेहनत चली जाएगी, बेच चली जाएगी, आप अगली बार ऐसा कुछ करने के लिए मोटिवेट नहीं होंगे। तो दोस्तों, आप आपकी जो बौद्धिक रचनात्मकता है, आपके मस्तिष्क के द्वारा जो भी रचनात्मकता का सृजन किया जाता है, उस बौद्धिक संपदा पर आपको जो संरक्षण दिया जाता है, आपको जो अधिकार दिया जाता है, वही बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाता है। तो ये आसान भाषा में आप लिख सकते हो, चाहे आप यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे पीएससी की। तो ये यूपीएससी का सिलेबस उठाया है, तो ये सारी की सारी परिभाषाएं वहीं से ली गई हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप हर एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में इसको लगा सकते हैं। तो देखते हैं बौद्धिक संपदा क्या होती है। मस्तिष्क के द्वारा जो भी रचनात्मकता का सृजन किया जाता है, उसे बौद्धिक संपदा कहा जाता है, मस्तिष्क के द्वारा। मैंने आपको समझा दिया ये बात। यदि कोई व्यक्ति अपनी चिंतनशील प्रकृति से, सोच विचार कर या मानसिक योग्यता से कोई वैज्ञानिक नवाचार करता है या किसी ऐसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करता है जो पहले समाज के पास नहीं थी, वो उसकी बौद्धिक संपदा कहलाती है। इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी हमारे, जो भी एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो एप्लीकेशन में ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे 10 यूनिट की बुक भी परचेज करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके बुक भी ले सकते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट की एक साथ आएगी, 6th 7th 8th की एक साथ आएगी, बाकी की एक साथ आ जाएंगी। तो आप लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, अगर वास्तव में आप डिप्टी कलेक्टर या डीसी, जो भी आपका सपना है, डीएसपी बनना चाहते हैं, नायब तहसीलदार बनना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आपको थर्ड पेपर में पास कराने के लिए मूल मंत्र यही साबित हो सकता है। बाकी आपको सिलेबस टू द पॉइंट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम अच्छे से रिसर्च करके आपको चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों। तो यहां पर हमने देख लिया है कि भाई कोई व्यक्ति क्या करता है, रचनात्मकता के द्वारा जो भी सृजन करेगा वो बौद्धिक संपदा है। अब बौद्धिक संपदा हमने देख ली, अब किसी दवाई का फॉर्मूला तैयार कर लिया। अब एक वैज्ञानिक बैठा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, लेबोरेटरी में जाके रसायन को मिला मिला के एक नई दवाई बना दी उसने। कोरोना के काल में लोग क्यों इतना ज़्यादा कंपनियां रिसर्च कर रही थी, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके रशियन कंपनी, इंडियन कंपनी, चाइनीज कंपनी कोरोना की दवाई बना रही थी। उन्हें पता था कि अगर हमने एक बार फॉर्मूला ढूंढ लिया
तो हमारी लाखों, ध्यान से सुनना, लाखों करोड़ों डॉलर का फायदा होगा। हमारी सैकड़ों पुश्तें बैठकर खाएंगी, इतना रुपए आएगा क्योंकि पूरे देशों को डिमांड है। अगर आपने डिमांड की पूर्ति कर दी तो आपको बहुत फायदा होगा। तो ये सभी चीज़ें, किसी दवाई का फॉर्मूला तैयार करा, संगीत का सृजन कर दिया, मान लो मैंने बैठकर यहाँ पर कोई संगीत बना दिया मस्त ट्यूनिंग, अब आप उसको जिंदगी भर सुनोगे, ना कोई चोरी कर सकता। अनु मलिक जी ने उठा लिया था तो अनु मलिक जी पर केस आ गया था। तो ये संगीत भी आपका क्या है, एक प्रकार का आपका बौद्धिक संपदा है। याद रखना, कंप्यूटर प्रोग्राम बना दिया आपने, चित्रकला, मूर्तिकला, किताब लिख दी, ये सभी चीज़ें आपकी बुद्धि के द्वारा की जा रही हैं। पेंटिंग्स भी बहुत महंगी महंगी बिकती हैं, लाखों करोड़ों रुपए में बिकती हैं। तो आपकी पेंटिंग भी कोई नहीं चुरा सकता अगर आप उस पर क्या ले लेते हो, कॉपीराइट्स ले लेते हो। दोस्तों तो चलते हैं आगे। अब यदि कोई व्यक्ति कई वर्षों की मेहनत करके कोई आविष्कार करता है या किसी प्रकार की बौद्धिक संपदा तैयार करता है लेकिन इसे उसका अधिकार ना मिले तो वो सोचना ही बंद कर देगा, जिसके कारण नवाचार नहीं होगा। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आपको उस पर अधिकार नहीं मिले तो आप सोचना बंद कर दोगे, आप सोचोगे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कोई व्यक्ति या देश किसी की बौद्धिक संपदा का अतिक्रमण ना कर सके, इसके लिए उसे कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं और उन अधिकारों को ही हम बौद्धिक संपदा अधिकार के नाम से जानते हैं। अब सर, बौद्धिक संपदा अधिकार की परिभाषा क्या लिखेंगे, तो किसी व्यक्ति या संस्था को एक निश्चित अवधि के लिए उनकी रचनात्मकता या नवाचार पर दिए गए विशेष अधिकार, या सवाला है वो विशेष अधिकार बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं। क्या है इसका मतलब, कोई व्यक्ति है या फिर कोई संस्था है, उसको एक निश्चित समय, 20 साल के लिए, 60 साल के लिए, 30 साल के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए उसकी रचनात्मकता पर जो भी उसे अधिकार प्रदान किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार। कि भाई साहब अब तुम इसको बेच सकते हो, मान लो इस पेन का अधिकार मुझे मिल गया तो मैं इसे चला सकता हूँ 30 साल तक, 20 साल तक, उसके बाद फिर कोई भी चला सकता है, लेकिन 30 साल तक इस पेन का उपयोग मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही मार्केट में बेच सकता हूँ, मैं ही कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने एक किताब लिख दी, उस किताब को मैं ही उपयोग कर सकता हूँ, दूसरा उस किताब को उठाकर मेरी कॉपी नहीं कर सकता है। ये इसका मतलब है बौद्धिक संपदा अधिकार का। चलते हैं आगे, पढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी चिंतनशील प्रकृति के द्वारा कोई नवाचार करता है या कोई नई संगीत का सृजन करता है, देखते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं, आप सुनना, कोई व्यक्ति अपनी चिंतनशील प्रकृति के द्वारा नवाचार करता है या कोई नए संगीत का क्या करता है, सृजन करता है, सृजन करने के बाद किसी साहित्य की रचना करता है। अब साहित्य भी लिख दिया उसने, बुक जो मैंने आपको बताया वही लिखा है यहाँ पर, कोई दुरुपयोग ना करे। अब उसने इतनी सारी चीज़ें बना दी हैं, मान लो संगीत बना दिया है, कोई लोगो तैयार कर दिया है, डिजाइन बना दिया है, अब उसको कोई दुरुपयोग ना करे, कोई चोरी ना कर ले, इसके लिए कुछ अधिकार दिए जाते हैं जिन्हें बौद्धिक संपदा अधिकार कहा जाता है। वही चीज़ इन्होंने रिपीट करके लिख दी है, जो आपको सटीकता से लिखनी है वो मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं दोस्तों आगे। अब आगे देखते हैं कि बौद्धिक संपदा अधिकार एक निजी अधिकार है जो किसी देश की सीमा के भीतर मान्य होता है। मान लो मैंने कोई खोज करी है तो ये मेरा निजी अधिकार हो गया। अब मैं भारत देश के अंदर इसका कुछ भी बेच सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ कंडीशन अलग हो जाएगी। तो ये निजी अधिकार है, किसी देश की सीमा के भीतर मान्य होते हैं। यह औद्योगिक, वैज्ञानिक, साहित्य और कला के क्षेत्र में व्यक्ति या व्यक्तियों अथवा कानूनी कंपनियों को उनकी रचनात्मकता अथवा नव प्रयोग के संरक्षण हेतु प्रदत्त किए जाते हैं। वही चीज़ है कि अगर कोई कंपनी है, वैज्ञानिक है, संस्था है, व्यक्ति है, वो कोई नया बना रहा है, कोई नई चीज़ लिख रहा है, नई चीज़ की खोज कर रहा है, तो उस पर उसे जो अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं वही क्या हो जाएंगे, बौद्धिक संपदा अधिकार हो जाएंगे, और वही उनकी रचनात्मकता और नव प्रयोगों को संरक्षण देने के लिए ऐसा किया जाएगा। तो उम्मीद है ये सब आपको क्लियर हो रहा होगा इतना। अब हम चलते हैं आगे कि आखिर सर कोई व्यक्ति कैसे पता लगाएगा कि नवाचार क्या है, बौद्धिक संपदा अधिकार किस प्रकार से डिसाइड किए जाते हैं। तो इतना हमने देख लिया, इसके बाद हम देखते हैं बौद्धिक संपदा निजी एवं सामूहिक हो सकती है। अब समझना, जो आपकी बौद्धिक संपदा है वो सामूहिक भी हो सकती है और निजी भी हो सकती है। इसका मतलब क्या होगा, सामूहिक का मतलब क्या हो जाएगा, सामूहिक का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, मान लो कि सभी लोगों ने मिलकर, सामूहिक का मतलब क्या हो जाएगा, सभी लोगों ने जब मिलकर किसी चीज़ को खोजा है तो वो क्या हो जाएगा, सामूहिक। जैसे कि मान लो GI टैग है, अब चंदेरी की साड़ी बनाई जा रही, तो चंदेरी की साड़ी में क्या हो जाएगा कि पूरा का पूरा चंदेरी उसका फ़ायदा उठा सकता है। मथुरा का पेड़ा है तो पूरे के पूरे मथुरा वाले उस पेड़े की दुकान लगा सकते हैं। आपने देखा होगा आगरा का पेठा है तो पूरे आगरा, सामूहिक अधिकार है। अगर निजी अधिकार, निजी अधिकार का मतलब है मैंने अपनी कंपनी का लोगो ले लिया,
मैंने जीएस जीनियस अकेडमी को रजिस्टर करवा दिया, मैंने मेरी बुक का पेटेंट करवा दिया, कॉपीराइट करवा दिया, तो वो मेरे निजी अधिकार हैं। याद रखना, निजी भी हो सकते हैं, सामूहिक भी हो सकते हैं। क्यों जरूरी है? अरे आप खुद दिमाग लगाओ, क्यों जरूरी है ये बौद्धिक संपदा अधिकार? ताकि आप इनोवेशन कर सको, रचनात्मकता को बढ़ावा दे सको, इसीलिए जरूरी होते हैं ये अर्थव्यवस्था में। अब सुनना, ये क्यों जरूरी है? ये अर्थव्यवस्था में रोजगार, आप ऐसा नहीं है कि हम माली करते रहें, आप चिंतनशील प्रकृति के द्वारा कुछ नया खोज सकते हैं। नवाचार, सुरक्षा को सुनिश्चित करना, रोजगार मिल सके, वो नवाचार कर सके, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके, क्योंकि इसी अधिकार के कारण व्यक्ति नवाचार के लिए प्रेरित होगा, कुछ नया करने के लिए वो प्रेरित होगा, क्योंकि उसे उम्मीद है कि उसके द्वारा किए गए नवाचार के पूर्णतः उपयोग का अधिकार उसके पास है और वह उन अधिकारों को बेचकर आर्थिक लाभ कमा सकता है। ये आप पेपर में सीधा लिख सकते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार पूछे अगर 5 नंबर में, तो सटीक परिभाषा लिख देना और उसके बारे में थोड़ा सा बता देना। अब अगर 11 नंबर में पूछे तो क्या बताएंगे और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, उन पर चर्चा करते हैं। आखिर बौद्धिक संपदा अधिकार, अब बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए कुछ मानक या प्रकार निम्नलिखित हैं। अब जो आपका बौद्धिक संपदा अधिकार है उसके लिए कुछ मानक बनाए गए हैं, कुछ डिसाइड की गई हैं कि ये चीज़ें बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आएंगी। अब देखते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें, ये स्टार बना लेना, ये पेपर में पक्के में 11 नंबर में पूछा जा सकता है। तो कौन कौन सी चीज़ें हमें इसके अंतर्गत पढ़नी है? बौद्धिक संपदा के अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेटेंट। पेटेंट क्या होता है, किस पर दिया जाता है, पेटेंट हम आगे पढ़ेंगे कि भाई इसके लिए कौन सा मंत्रालय काम करता है, पेटेंट के लाभ क्या है, पेटेंट की हानियां क्या हैं, ये पेटेंट के अंदर पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कॉपीराइट, कॉपीराइट कहाँ दिया जाता है, क्या पेटेंट और कॉपीराइट में अंतर होता है, क्या एक ही चीज़ के लिए दिया जाता है, ये आप समझते चलना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है ये भी हम देखेंगे, कि आपने देखा होगा लैम्बोर्गिनी का अलग से मार्क रहता है, एप्पल का अलग से लोगो रहेगा, नाइकी का अलग से रहेगा, तो ट्रेडमार्क हर कंपनी अपना एक मार्क निकालती है ताकि बाजार में एक विशिष्टता निर्धारित कर सके, इस पर भी चर्चा करेंगे। हम देखेंगे जियोग्राफिकल इंडिकेशन, GI टैग, भौगोलिक डिजाइन, कि भाई कड़कनाथ मुर्गा, झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा, या चिन्नौरी चावल बालाघाट का, या चंदेरी की साड़ियाँ देखेंगे, या फिर हम देखेंगे अलग अलग जगह नागपुर के संतरे, मथुरा के पेड़े, तो ये सभी क्या आ जाएंगे, GI टैग के अंतर्गत आ जाएंगे। औद्योगिक डिजाइन, आप कोई सी कंपनी की चीज़ें बना रहे हो, अलग अलग डिजाइन की बना रहे हो, तो डिजाइन एक दूसरे का कॉपी नहीं कर सकते, एप्पल सैमसंग का नहीं कर सकता, सैमसंग एप्पल का नहीं कर सकता, अगर ऐसा करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। बौद्धिक संपदा है, उनकी रिसर्च टीम बैठी है, लाखों करोड़ों रुपए डॉलर खर्च कर रही है वो, तब जाकर वो एप्पल का डिजाइन आ रहा है, 3 कैमरे आ रहे हैं पीछे, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत रिसर्च करके बनाई जा रही हैं, अगर कोई चुराता है तो वो बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आएंगी। साथ ही साथ व्यापारिक गोपनीयता, ट्रेड सीक्रेट, ये क्या होंगे, ये हो जाएंगे बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए कुछ मानक, ये मानक स्टैंडर्ड हैं। अब आपसे पेपर में पूछेगा कि पेटेंट को लिखिए 5 नंबर में, पेटेंट के लाभ लिखिए, पेटेंट की हानियां लिखिए 11 नंबर में। तो अब देखते हैं हम एक एक चीज़ को, चलिए अब हम समझते हैं पेटेंट के बारे में। पेटेंट क्या होता है, अब पेटेंट के बारे में हम पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पेटेंट दिया कब जाता है, तो चलिए देखते हैं। पेटेंट क्या है, पेटेंट एक कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को उसकी खोज या आविष्कार पर एक अधिकार देता है। इसका मतलब क्या है, पहले तो ये 3 नंबर में लिख देंगे, पेटेंट क्या है, एक कानूनी अधिकार है, मतलब कानूनी अधिकार मतलब अगर आप पेटेंट को चुराओगे या पेटेंट के नाम पर कुछ भी गलत करोगे, दुरुपयोग करोगे, तो ये एक अधिकार दिया गया है, एक कानूनी अधिकार है, मतलब कानून के दायरे के अंतर्गत आएगा। ये कब दिया जाएगा, जब कोई व्यक्ति कोई खोज करता है, कोई आविष्कार करता है, तो ये खोज या आविष्कार पर दिया जाता है। तो सीधा आप इतना लिख सकते हो कि एक कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को उसकी खोज या आविष्कार पर दिया जाता है। खोज का मतलब होता है जो चीज पहले मार्केट में नहीं थी, जिस चीज का लोगों को पता ही नहीं था, वो चीज आपने नई चीज लोगों के सामने लाके रख दी, वो खोज हो जाएगी, आविष्कार हो जाएगी, जिसका लोगों को पहले पता नहीं था उस चीज को आपने लोगों के सामने रखा, तो वो खोज के अंतर्गत आएगी। जैसे कि वैक्सीन,
किसी ने खोजी नहीं थी, अब नई खोज दी है तो उस पर उन्होंने पेटेंट ले लिया है अपना, क्योंकि पहले किसी को पता ही नहीं था कि भैया कोरोना की वैक्सीन हो सकती है, अब आ गई है मार्केट में, सबने पेटेंट ले लिए हैं, तो ये पेटेंट हो जाएगा खोज और आविष्कार पर किसी संस्था या व्यक्ति को दिया जाने वाला एकाधिकार होता है या कानूनी अधिकार होता है, ये पेटेंट में लिख देना। पेटेंट एक प्रकार का ऐसा अधिकार है जिसके कारण आविष्कार की गई चीज़ों को वह दुनिया के सामने रख सकता है और कोई भी व्यक्ति उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता है। मान लो मैंने एक ऐसा जूस बनाया जिसे पीते ही क्या होता है, एनर्जी आ जाती है, अब मैं उसको मार्केट में लेकर आता हूँ, मार्केट में जैसे ही लाया चाइना ने कॉपी कर दिया, अब चाइना ने कॉपी कर दिया तो फिर मैंने इतनी रिसर्च करी, इतनी मेहनत करी, ध्यान रखना उस मेहनत का मुझे फल ही नहीं मिलेगा, तब क्या करेंगे, मैं उसको पेटेंट करा लूँगा कि भाई मैंने आविष्कार किया है इस चीज़ का, तो जैसे ही मैं उसको पेटेंट कराऊँगा तो मुझे उसका अधिकार मिल जाएगा, मैं उस जूस को चिल्ला चिल्ला कर बेचूँगा, जूस ले लो, जूस ले लो, जूस ले लो, और लोग पियेंगे, खरीदेंगे और मेरा एक अधिकार होगा, मेरा नाम फेमस होगा। याद रखना, पेटेंट अगर किसी व्यक्ति को मिल जाता है तो फिर उसका एकाधिकार उस चीज़ पर हो जाता है, कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं कि भाई पेटेंट, और अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पेटेंट की अवधि 20 वर्ष निश्चित की गई है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मान लो कोई दवाई बना दी कोरोना की दवाई बना दी, अब वो आपको बेच रहे हैं 20,000 रुपये में, अरे भाई अमीर आदमी तो खा लेगा, गरीब तो निपट जाएगा बेचारा, इतना खर्चे ही नहीं कर पाएगा, तो एक अवधि डिसाइड कर दी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, WTO विश्व व्यापार संगठन ने, हम पढ़ेंगे आगे इसको भी, कि भाई 20 वर्ष तक हम क्या करेंगे, एक निश्चित अवधि तय कर दी है कि आपने अगर कोई चीज़ बना दी है, खोज ली है, तो 20 वर्षों तक आपका एकाधिकार रहेगा, उसके बाद उसको पब्लिकली यूज़ करने दिया जाएगा, कोई भी उपयोग कर सकता है। पेटेंट को संरक्षण देने के लिए पेटेंट एक्ट 1970 था, पहले बहुत पुराना था, अब उसको संशोधित कर दिया गया है, 2006 में इसे संशोधित कर अब 5-6 का लागू कर दिया है, तो अब बकाया वर्तमान में पेटेंट एक्ट 2005 और 2006 का लागू किया जाता है, 1970 वाले को संशोधित कर दिया गया है। अब कौन सा मंत्रालय इसके लिए काम करता है, तो पेटेंट के लिए औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन DIPP डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये काम करता है। साथ ही साथ मंत्रालय कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री इसके लिए जिम्मेदार होती है, मतलब वाणिज्यिक मंत्रालय इसके लिए क्या होता है, वाणिज्यिक और कार्मिक मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो आपसे पेपर में पूछेगा पेटेंट किसको दिया जाता है, तो किसी व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है, किस पर दिया जाता है, खोज या आविष्कार पर दिया जाता है, ये एक कानूनी अधिकार है, ये WTO के अनुसार 20 वर्षों की अवधि निर्धारित की गई है, 20 वर्षों के बाद कोई भी पेटेंट को उपयोग कर सकता है, पेटेंट जो करा लेता है उसको उसका एकाधिकार मिल जाता है, उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता है। दोस्तों तो सर पेटेंट के लाभ क्या हैं, हानि क्या हैं, उसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि सर अगर पेटेंट समाप्त हो गया कोरोना की दवाई का, क्या कोई भी दवाई बना सकता है, जी हाँ कोई भी बना सकता है। पेपर में क्वेश्चन आता है जेनरिक दवाइयाँ क्या होती हैं, पेपर में 5 नंबर में या 3 नंबर में आपसे पूछेगा जेनरिक दवाइयाँ क्या होती हैं, तो आपको लगा देना है कि पेटेंट समाप्त होने के बाद उत्पादित की गई दवाइयाँ जेनरिक दवाइयाँ कहलाती हैं। अगर मान लो 20 वर्ष समाप्त हो गए कोरोना की दवाई के, उसके बाद उस दवाई को कोई भी बना सकता है और बेच सकता है, जो नॉर्मल दवाइयाँ 20,000 की कैंसर की आती हैं, वो जेनरिक दवाई जब घोषित हो जाती हैं, 20 साल हो जाते हैं पूरे, तो वो 20-20 रुपए में बिकती हैं, इतनी सस्ती होती हैं, बस कंपनी अपना ठप्पा लगा के उनको इतने महंगे में बेचती है ताकि उनका प्रॉफिट हो सके। तो जेनरिक दवाइयाँ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो पेटेंट समाप्त होने के बाद में उत्पादित की जाती हैं, ये बहुत ही सस्ती होती हैं, इन दवाइयों पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगता है, इसीलिए बहुत सस्ती होती हैं, और भारत तो भैया ऐसी चीज़ों में पीछे नहीं, तब भारत ने तो हाथ धोके इन दवाइयों को बनाना चालू कर दिया, बस पता लग जाए कि कौन सी दवाई जेनरिक है, तो भारत जेनरिक दवाइयों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है, गरीब देशों को पहुंचाने का काम करता है भारत। भारत को पता है कि ये दवाई का पेटेंट हो गया समाप्त, अमेरिका ने खोजी थी, बनाओ, और धांस के बनाई और बेच देते हैं जाके कहीं अलग अलग देशों में। तो याद रखना जेनरिक दवाई पेपर में पूछे तो उम्मीद है अब आप बता पाओगे, 5 नंबर में लिख पाओगे दोस्तों। और ये सारी की सारी जानकारी दोस्तों आप लोगों के लिए टू द पॉइंट प्रोवाइड की जा रही है। अगर आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर पर जाकर GS Genius Academy नाम से मिल जाएगा, वहाँ पर 7th यूनिट के साथ में आपको 6th और 8th यूनिट, 1st, 2nd, 3rd यूनिट सभी यूनिटें प्रोवाइड की जा रही हैं,
वो भी सिलेबस के टू द पॉइंट टॉपिक वाइज। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप जाकर चेक कर सकते हैं, ताकि आपका थर्ड पेपर बिल्कुल सुरक्षित हो जाए और आप निश्चित सफल हो जाएं। आप जो भी सपना देखते हैं वो सपना आपका पूरा हो जाए। अब सर पेपर में क्वेश्चन आएगा, पेटेंट हमने देख लिया, अब पेटेंट के लाभ क्या हैं, पेटेंट की हानियां क्या हैं। पेटेंट अगर कोई करा लेता है तो क्या हानि भी होती है? बिल्कुल हानि होती है। क्या पेटेंट कराने से लाभ होता है? तो आप पेटेंट के लाभ और हानि को दोस्तों बौद्धिक संपदा अधिकार के लाभ हानि में भी डाल सकते हैं। चलिए तो देखते हैं एक एक चीज। पेटेंट सबसे पहले, लाभ हानि से पहले मैं आपको बता दूं, पेटेंट भी दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से पेटेंट का लाभ होगा और कौन से की हानि होगी, अब सुनना। आपके जो पेटेंट रहते हैं वो कितने प्रकार के रहते हैं? दो प्रकार के, एक उत्पाद पेटेंट, एक प्रक्रिया पेटेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर पूछे जा सकते हैं, इसीलिए पांच नंबर के हिसाब से इसको याद कर लेना कि भाई पेटेंट कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक तो उत्पाद पेटेंट होता है, एक प्रक्रिया पेटेंट होता है। अभी उत्पाद पेटेंट क्या होता है, जब कोई वस्तु, चलिए पहले पढ़ लेते हैं, किसी उत्पाद के नाम, डिजाइन, स्वाद, पैकिंग आदि के आधार पर दिया जाता है ताकि उसकी नकल ना की जा सके। मान लो मैगी ने अपनी एक अलग प्रकार के नूडल्स निकाले, तो वो मैगी ने अपना क्या कर दिया, उस पर टैग लगा दिया, वो मैगी के नूडल्स हो गए। तो मैगी के नूडल्स का जो डिजाइन है, पीला कलर है, वो दूसरी कंपनी चुरा नहीं सकती, यप्पी वाला नहीं चुरा सकता या दूसरा नहीं चुरा सकता। क्यों नहीं चुरा सकता? क्योंकि उसने उत्पाद पर पेटेंट ले लिया कि हमारा मैगी है ऐसे ही है। तो याद रखना, उत्पाद पर ले लेते हैं तो ना आप डिजाइन चुरा सकते हो, ना उसका कलर चुरा सकते हो, ना ही आपका उसका स्वाद, पैकिंग आदि की चोरी नहीं कर सकते। यदि उत्पाद का पेटेंट करा लिया तो उसके साथ उसकी प्रक्रिया का पेटेंट अपने आप ही हो जाता है। अब प्रक्रिया पेटेंट क्या होता है याद रखना, ये उत्पाद बनाने की प्रक्रिया पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? उत्पाद बनाने की प्रक्रिया पर दिया जाता है, ना कि उत्पाद पर। इसमें उत्पाद तो कोई भी बना सकता है लेकिन प्रक्रिया का उपयोग नहीं कर पाएगा। देखो कैसे समझाता हूँ। अब देखो, रोड बनाते हैं, सड़क बनाते हैं लोग, सड़क तो, सड़क तो हजारों तरीके से बनती है, लेकिन मान लो मेरी कंपनी ने आकाश एंड आकाश बिल्डर्स, अगर मान लो हमने क्या कर दिया, एक रोड बनाई और रोड बनाने का ऐसा फॉर्मूला खोजा है कि अगर इससे क्या कर दिया जाए, रोड बना दी जाए उस फॉर्मूले से, तो कभी रोड उखड़ेगी नहीं, भूकंप के झटके भी झेल लेगी। अब रोड तो सब बना रहे हैं लेकिन हमारी प्रक्रिया का पालन करके आपने रोड बनाई तो वो रोड कभी भी भूकंप के झटके से भी तबाह नहीं होगी। तो वो हमने प्रक्रिया पेटेंट करा ली तो हमारी उस प्रक्रिया के द्वारा कोई रोड नहीं बनाएगा, रोड तो सब बना सकते हैं। तो ये होता है प्रक्रिया। लेकिन अगर आप उत्पाद पे करा देते हो तो उत्पाद में सिर्फ वो उत्पाद ही शामिल किया जाएगा। इतना क्लियर हो गया? यदि कोई व्यक्ति किसी सड़क निर्माण करने वाली प्रक्रिया बनाई है, उसे पेटेंट करा लिया, तो सड़क वही मैंने जो समझाया है वही का वही यहां पर लिख दिया है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आगे। अब पेटेंट के क्या लाभ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेटेंट के लाभ क्या हैं, ये आप पेपर में पांच नंबर में लिख सकते हैं, ग्यारह नंबर में भी आ सकता है। आप बौद्धिक संपदा अधिकार के लाभों में भी ये लाभ लिख सकते हैं। तो सबसे पहला, इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है, इसका मतलब क्या होगा? इनोवेशन मतलब आप क्या करते हो, जो भी आप आविष्कार करते हो उनको बढ़ावा मिलेगा, नए नए वैज्ञानिक पैदा होंगे, लोगों का रुझान बढ़ेगा, सकारात्मक माहौल बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोचेंगे कि हम भी कुछ नया करें, क्योंकि हम कुछ नया करेंगे तो उससे धन का सृजन होगा, रुपये आएगा और कोई उसे चुरा नहीं पाएगा। तो इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का आविष्कार करता है तो उस पर उस व्यक्ति का एकाधिकार होता है, वह उसे बेचकर लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता है, जिसके कारण वह इनोवेशन के प्रति प्रोत्साहित होता है। क्यों? आपने देखा नहीं था कि भाई कोरोना के समय में सभी कंपनियां दवाइयां बनाने लग गई थी, सबको पता था कि अगर हमने दवाई बना ली तो जिंदगी भर क्या करना पड़ेगा, हमें बैठकर खाना पड़ेगा, इतने रुपए आएंगे। तो याद रखना, वो प्रोत्साहन ही तो था, क्योंकि एक बार आपने क्या कर लिया, पेटेंट ले लिया, तो वो अब आपकी दवाई हो गई, आपसे पूछकर ही लोग उसका उपयोग कर पाएंगे। सभी देशों की दवाइयां बनाने वाली कंपनियों ने कोविड-19 के टीके को बनाने में लग गई थी, दिन रात मेहनत कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि हमने खोज लिया तो आगे आने वाली कई पीढ़ियां सुरक्षित हो जाएंगी और इतना पैसा कमाएंगे कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये इनोवेशन को बढ़ावा ही तो है। तो पेटेंट का लाभ क्या है? इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, उद्योगों को संरक्षण मिलेगा। उद्योगों को क्या मिलेगा? संरक्षण मिलेगा। कैसे मिलेगा? अब मान लो कोई सी कंपनी है,
लगातार पुरानी चीजें बेची जा रही है, कोई लेगा नहीं लेगा। लेकिन जब वो क्या करेगी, नई चीज करेगी, इनोवेशन लाएगी, नए तरीके का पंखा बना दिया बजाज ने, डस्ट नहीं आएगी तो लोग आकर्षित होंगे। पुराने जमाने का वही खच 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 करने वाला पंखा चलेगा तो कोई लेगा ना, नयापन पसंद करते हैं लोग। तो याद रखना, उद्योग आविष्कारों के द्वारा अपनी विशिष्टता स्थापित कर सकते हैं, उनकी विधि प्रक्रिया, बनाने की प्रोसेस, डिजाइन पर केवल उनका ही अधिकार होता है, उन्हें कोई चुरा नहीं सकता। इसी के कारण उद्योग प्रगति करता है। एप्पल आईफोन 13 आ गया, आईफोन 11 आया, आईफोन अलग अलग प्रकार के आईफोन आए, तो आईफोन में चेंजेस किए उन्होंने, डिजाइन चेंज कर दिया, उसकी प्रक्रिया को चेंज कर दिया, कैमरे बदल दिए, रिजोल्यूशन बढ़ा दिया, तो ये कंपनी ने क्या किया, लोगों को आकर्षित किया। अगर वही पुराने ज़माने के आईफोन आपको देते जाएं तो आप लोगे नहीं लेंगे, तो वो उन्होंने इनोवेशन किया है, कंपनी को स्थापित किया है। एप्पल के आईफोन का डिजाइन चुरा नहीं सकता, लेकिन सैमसंग ने चुरा लिया था तो सैमसंग पर जुर्माना लग गया था, तो सैमसंग को समझ में आ गई कि ऐसा करना गलत है, क्योंकि अगर आप पेटेंट करा लेते हो तो कोई ऐसा नहीं करता, लाखों करोड़ों का हर्जाना भुगतना पड़ा। तो याद रखना, बिस्लरी ने अपनी प्रक्रिया का पेटेंट करा रखा है, वह टीवी पर अपनी प्रक्रिया का भी वीडियो दिखा सकता है। बिस्लरी दिखाता है कि हमें ऐसे पानी बनाते हैं, अगर उस प्रक्रिया को कोई ने चोरी कर लिया दोस्तों तो वो केस ठोक देगी, क्योंकि बिस्लरी ने अपनी पानी बनाने की प्रक्रिया, कि हम किस प्रकार से पानी को शुद्ध करते हैं, आरओ में डालते हैं, फिल्टर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये प्रक्रिया पेटेंट करा रखा है। तो आप बिस्लरी का जो पानी पीते हो वो दूसरी कंपनी उस प्रक्रिया के। याद रखना, कोई भी व्यक्ति या कंपनी अपने इनोवेशन को किसी तीसरे व्यक्ति को किराए पर दे सकते हैं, और जिससे उन्हें रॉयल्टी प्राप्त होती है। अब मान लो क्या करा, मैंने अपनी जो भी चीज़ें इनोवेशन करी, मैंने सामने वाले को बेच दी कि भैया मैंने दारू बनाई है, ये ऐसी दारू है कि इस दारू को पीते ही आदमी में झन्नाटे आ जाते हैं और आदमी को चखने की जरूरत नहीं पड़ती, चखना बिना खाए दारू चढ़ जाती है, याद रखना। तो ये क्या करेंगे, अब मैं एक बड़ी बड़ी कंपनी आ गई मेरे पास आ गए किंग फिशर वाले, मेरे पास एंटीक्विटी ब्लू वाले आ गए, मेरे पास अलग अलग आ गए कि भाई हमें दे दो। मैंने बोला 50 करोड़ रुपए लगेंगे एक बोतल बनाने के, उन्होंने बोला साहब एक बूंद पीने से ही चढ़ रही है तो ये तो बहुत काम की चीज है, तो उन्होंने मुझसे ली और मेरे ऊपर क्या हो गई, नोटों की बारिश हो गई। तो मैंने मेहनत की है ना, मैंने इतना ज़्यादा उस पर रिसर्च किया है, तब पता चला कि भैया किस प्रकार से दारू काम करती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ दारू का, ऐसा समझ मत लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, रॉयल्टी से पैसा ही पैसा आएगा, देश में सकारात्मक वैज्ञानिक माहौल बनता है, इनोवेशन के कारण वैज्ञानिकों का नाम होता है, जिससे देश में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, जिससे देश और लोगों का वृद्धि और विकास होता है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, आकर्षित होंगे, वैज्ञानिक आएंगे, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा आविष्कार को, आर्थिक सहायता आविष्कारक को। अब जो आविष्कार करेगा उसे पैसा मिलेगा यार, कोई भी हो कोई चीज़ बनाएगा रुपए तो कमाएगा ही कमाएगा, तो नई चीज़ बनाने पर उसे रुपए प्राप्त होते हैं। तो ये सब आप क्या लिख सकते हो, इसके लाभ के अंतर्गत लिख सकते हो। अब पेटेंट के नुकसान क्या हैं, क्या सर पेटेंट के नुकसान भी होते हैं? जी हाँ, पेटेंट के नुकसान होते हैं, क्यों? क्योंकि विकसित देशों का दबदबा बन जाता है। विकसित देशों का दबदबा कैसे बन जाता है सर? अब मान लो अमेरिका है और इंडिया है, अब अमेरिका में तो बड़ी बड़ी लेबोरेटरी हैं, साधन हैं, सुख सुविधाएं, अब वहाँ के वैज्ञानिक जल्दी से लैब में जाकर तुरंत की तुरंत चीज़ें बना देंगे। अब भारत के पास या पाकिस्तान कोई गरीब सा देश ले लो, उनके पास ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, वो बेचारे कैसे काम करेंगे, वो तो पिछड़ जाएंगे। तुमने पेटेंट ले लिया, वो खरीद ही नहीं पा रहे तुमसे। तो याद रखना, विकसित देशों का दबदबा बना रहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य विकसित देशों में अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पर सुविधाएँ एवं बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएँ होती हैं, उच्च शिक्षा व्यवस्था होती है, एजुकेटेड रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जिस कारण से विकसित देशों में अधिक नवाचार होता है, जिस कारण से उनका अन्य देशों पर दबदबा बना रहता है, जिसके कारण देसी कंपनियां गर्त में चली जाती हैं, वो विकसित होते चलते हैं, विदेशी कंपनियां हम पर हावी होती जाती हैं। और क्या नुकसान है सर? अंतरराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा आर्थिक शोषण, जो MNCs रहती हैं, मल्टीनेशनल कंपनी रहती हैं, वो आर्थिक शोषण करती हैं। पहले तो बोलेंगी BT जीन डाल के हमने BT कॉटन बना दिया, BT बैगन बना दिया, अगर आप इस कॉटन को उगाते हो तो इससे कभी इल्ली नहीं लगेगी, उत्पादन 10 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन आपने सोचा वो उनका नुकसान है या फायदा? उनका नुकसान ध्यान से सुनना, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो क्या करते हैं, उसके अंदर टर्मिनेटर जीन डाल देते हैं या फिर ट्रेजर जीन डाल देते हैं, वो फसल को नपुंसक बना देते हैं, उत्पादन तो ज़्यादा होगा लेकिन वो बीज अगली बार उग ही नहीं पाएगा। इसके कारण क्या होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, किसान बेचारा बेच ही नहीं पाएगा। तो मतलब क्या है,
इतनी महंगी फसल ली है उसने, इतना उत्पादन किया है, लेकिन दोबारा ना काम कर पाएगा वो बीज, तो फिर मतलब क्या है। तो दोस्तों बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अपने बड़ी बड़ी मात्रा में रिसर्च और डेवलपमेंट करती हैं और नए उत्पाद बनाती हैं, वो भी महंगे दामों में बेचकर शोषण करती हैं। इतना क्लियर हो गया। और देखते हैं आगे, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गन, अनुवांशिक रूपांतरित जीव हो जाएंगे, फसल हो जाएगी, के द्वारा ये कंपनियां किसानों का बहुत अधिक शोषण करती हैं। क्या करती हैं? बहुत अधिक शोषण करती हैं। उदाहरण देखते हैं कि इन कंपनियों ने बीटी फसलें बनाई हैं। बीटी मतलब बेसिलस थोरेंजियंसिस, बायोटेक्नोलॉजी में मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, जाके देख लो, चेक कर लो एक बार। साथ ही कुछ कंपनियां टर्मिनेटर जीन का उपयोग करती हैं, जिन्हें नपुंसक बना देती हैं, जिसके कारण फिर से दोबारा वो उत्पादन नहीं हो पाता और महंगे महंगे दामों में बेचना पड़ता है और किसानों को खरीदना पड़ता है। ठीक है, गरीब लोग जरूरी सेवाओं उत्पादों से वंचित रह जाते हैं। अब मान लो बेचारा कोई गांव में गरीब आदमी है, अब किसी को कैंसर हो गया, कैंसर की दवाइयां ही लाखों की मिल रही हैं, क्या वो ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो अब बड़ी बड़ी कंपनियां तो बोलेंगी तुम तो 20,000 की एक दवाई खाओ तब ठीक होगे, क्योंकि हमने पेटेंट ले रखा है, लेकिन वो गरीब व्यक्ति बेचारा कैसे खरीद पाएगा? तो याद रखना, गरीब लोग जरूरी सेवाओं और उत्पादों से वंचित रह जाते हैं। पेटेंट कराने के बाद वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, क्योंकि कंपनियों के पास एकाधिकार होने के कारण जरूरी वस्तुओं को वो महंगे दामों पर बेचती हैं, जिसके कारण गरीब लोग वंचित रह जाते हैं। अभी मैंने जेनरिक दवाइयाँ बताया था, जेनरिक दवाइयों की कीमत 20 रुपये होती है, वहीं पेटेंट वाली दवाइयों की कीमत 1200 रुपये होती है। 1200 रुपये, ये तो कमी बताया, बहुत महंगी महंगी दवाइयां मिलती हैं। तो ये दोस्तों पेटेंट के लाभ हो गए और हानियां हो गई। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इन्हीं को बौद्धिक संपदा अधिकार के लाभ और हानियों में भी लिख सकते हो। अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों पेटेंट के लाभ एवं नुकसानों को हम बौद्धिक संपदा अधिकारों के फायदे और नुकसान में भी लिख सकते हैं। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? चलिए दोस्तों, तो अब हम देखने वाले हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? सबसे पहले तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा पेटेंट। पेटेंट में क्या होता है? आविष्कार और खोजों पर दिया जाता है। लेकिन आपका जो कॉपीराइट होता है ना, कॉपी, कॉपी मतलब किताब, कॉपी पे लिखना, तो ये कलात्मक कार्यों के लिए दिया जाता है, साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाता है। तो कैसे परिभाषा लिखेंगे? साहित्यिक और कलात्मक कार्यों जैसे लेखन, संगीत, चित्रकला, कंप्यूटर प्रोग्राम, फिल्म आदि के लिए दिया जाने वाला एकाधिकार कॉपीराइट कहलाता है। तो कॉपीराइट में हम क्या लिखेंगे कि भैया ये कलात्मक और साहित्यिक कार्यों में, जैसे कि संगीत, लेखन, कंप्यूटर प्रोग्राम, कोई भी आपने मूर्ति कला कर दी है, तो इन सभी के लिए क्या किया जाता है, जो एकाधिकार दिया जाता है वो कॉपीराइट के अंतर्गत आता है। याद रखना, आविष्कार नहीं आएगा इसके अंतर्गत। तो ये कॉपीराइट हो गया। अब भारत में कॉपीराइट किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, ये आपसे अगर 5 नंबर में पूछ ले तो परिभाषा के साथ आपको क्या लिखना है। भारत में 6 चीज़ों पर कॉपीराइट मिलता है। कितनी चीज़ों पर मिलता है? 6 चीज़ों पर कॉपीराइट मिलता है। कौन कौन सी? एक तो कलात्मक, आर्टिस्टिक वर्क, आप कोई कलात्मक कार्य कर रहे हैं तो कलात्मक कार्य जैसे चित्र, आप कोई चित्र बनाते हैं, आप मकबूल फिदा हुसैन है, बढ़िया, तो आप क्या करते हो, एक पेंटिंग करते हो, आपकी एक एक पेंटिंग ही 3-3 करोड़ की, 10-10 करोड़ की बिकती है, तो उस पर आपने क्या ले लिया, कॉपीराइट ले लिया, तो उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, चोरी नहीं कर सकता, उस पर आपका संपत्ति है, वो आपका अधिकार है। तो चित्र, मानचित्र बनाते हो, आपने इंडिया का नक्शा डिजाइन किया, आपने दूसरे देश का नक्शा डिजाइन किया, आप कोई भी शहर का नक्शा डिजाइन करते हो तो वो मानचित्र। मूर्तिकला, आप मूर्तियां बनाते हो, मूर्तिकार भी बड़े बड़े रहते हैं, आपने देखे होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति इतनी बड़ी बनाई गई थी तो मूर्तिकार बुलाए गए थे। तो ये मूर्तियां डिजाइन करने वाले, साथ ही साथ तकनीकी चित्र वगैरह बनाने वाले, मान लो कि हवाई जहाज का डिजाइन करना है, रॉकेट का डिजाइन करना है, तो टेक्निकल डिजाइनिंग भी किस में आएगा, कलात्मक कार्य में। तो अगर कलात्मक कार्य में आपसे पूछा जाए तो लगा देना कि चित्र, मानचित्र, मूर्तिकला, तकनीकी चित्र आदि बनाने के लिए जो कार्य किया जाता है वो कार्य कलात्मक कार्य कहलाता है। और कलात्मक कार्य किसके अंतर्गत आता है? कॉपीराइट के अंतर्गत आता है। ड्रामेटिक वर्क, ड्रामेटिक वर्क मतलब ड्रामा, कोई भी ड्रामा जो स्टेज पर प्ले किया जाता है, जैसे मदर इंडिया कर दिया, राजा हरिश्चंद्र कर दिया, तो ये ड्रामा है, हम जिस तरह से वो ड्रामा प्ले करेंगे, हमने उस पर कॉपीराइट ले रखा है कि हम इस प्रकार से करेंगे, तो आप उस ड्रामे को उस तरह से कर सकते हो। आपने कोई ड्रामा बनाया, लिखा कि भाई हमने राजा नटवरलाल बना दिया, अब राजा नटवरलाल हम ही कर सकते हैं, हम अधिकार देंगे तब सामने वाला करेगा, दूसरा नहीं कर सकता है, तो ये ड्रामेटिक वर्क हो गया। साहित्यिक वर्क, लिटरेरी वर्क, किताब लिख दी आपने, कोई किताब लिख दी, कविता लिख दी, डेटाबेस, कंप्यूटर प्रोग्राम बना दिया आपने कोई,
तो वो भी किस में आएगा दोस्तों, कॉपीराइट के अंतर्गत आएगा। चाहे वो आपका कंप्यूटर प्रोग्राम हो, मान लो मैंने साइंस की बुक लिखी है, जैसे आपके लिए 10 यूनिट की किताब निकाल दी है, MPSI के लिए बुक निकाल दिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, तो ये बुक मेरी क्या है, मेंटली मेहनत है, मैंने बौद्धिक संपदा तैयार कर दी है अपने लिए, तो ये जब मैं मार्केट में बेचूंगा तो उस पर मेरा अधिकार है, कोई चोरी करेगा तो मैं कॉपीराइट ठोक दूंगा उस पर, क्योंकि मैंने उसको कॉपीराइट ले रखा है उस पर। तो वो कॉपीराइट मतलब किस पर भी दिया जाता है, साहित्यिक कार्यों पर दिया जाता है ये सभी चीज़ें। कुमार विश्वास अपनी कविता पर कॉपीराइट ले सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुमार विश्वास ने एक बार हरिवंश राय बच्चन जी की कविता सुना दी थी, तो अमिताभ बच्चन जी ने केस ठोक दिया था कि आप हमारे बाबूजी की कविता कैसे सुना सकते हो। तब फिर आपने देखा होगा कि कुमार विश्वास जी ने बोला कि मैंने इससे कुछ कमाई नहीं करी है, फिर भी मैं 101 रुपया बाबूजी के चरणों में समर्पित करता हूं कि मैंने उनकी कविता गाई और माफ़ी मांगी उन्होंने। लेकिन देखो ये अधिकार है, मतलब अधिकार है, भावनाओं से नहीं जोड़ सकते आप कल को उन्होंने कमा ली उससे, तो ऐसा रहता है। बाकी तो जो भी है, संगीतकार है, म्यूजिकल कार्य, आपने क्या कर दिया, संगीत का सृजन कर दिया, आप बैठ के बकायदा मस्त 2-4 दिनों तक 10 दिनों तक बैठ के अपने कमरे में रात रात भर संगीत तैयार कर रहे हो, AR रहमान जी तैयार करते हैं, तो वो संगीत पर आपको एक अधिकार मिलता है कॉपीराइट के थ्रू, उस संगीत को कोई चुरा नहीं सकता। अगर आप उसे अपने यूट्यूब पर उपयोग कर लोगे तो आपको कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, आपका चैनल बंद हो जाएगा। ये संगीतकार हो गए। सिनेमेटोग्राफी याद रखना, चलचित्र पिक्चर विज्ञापन, अगर मान लो मैंने बाहुबली 3 मूवी बना दी, तो अब क्या होगा, वो मूवी का अधिकार मेरे पास है। अगर मान लो वो किसी डायरेक्टर ने चोरी कर लिया तो मैं केस ठोक दूंगा कि मूवी मेरी थी, मैंने पहले इस पे कॉपीराइट ले रखा था, ये तुमने कैसे बना दी। तो ये कॉपीराइट रहते हैं, मूवियों पर भी लिए जाते हैं। ध्वनि संबंधी विभिन्न प्रकार की आवाज़ों का आयोजन करना, मान लो जैसे हॉरर मूवी बना रहे हैं तो मैंने हॉरर आवाज़ बना दी, मैंने फ़नी मूवी में फ़नी आवाज़ निकाल दी, तो जो आवाज़ भी आप बनाते हो, आप जो मीम्स बनाते हो, आप जो ध्वनि संकेतक बनाते हो, वो भी आपका क्या जाएगा, कॉपीराइट के अंतर्गत आ जाएगा। तो 6 चीज़ें आपको कॉपीराइट में लिखनी है। तो कॉपीराइट क्या होता है, साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के लिए प्रोवाइड किया जाता है, और दोस्तों इसमें क्या आएगा, कलात्मक, ड्रामेटिक, साहित्यिक, संगीत, सिनेमेटोग्राफी और ध्वनि संबंधी आपको क्या दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। अब सर इसका संरक्षण कौन करेगा, तो दोस्तों कॉपीराइट के लिए भारत में कॉपीराइट एक्ट 1957 था, बहुत पुराना था 1957, जिसे 2012 में संशोधित कर दिया गया। अब 2012 के कॉपीराइट एक्ट के तहत कॉपीराइट प्रदान किया जाता है, तो कॉपीराइट एक्ट अब 2012 आ चुका है, जिसके अंतर्गत आपको कॉपीराइट प्रदान किया जाता है। ये पेपर में आपको लिखना है सारी की सारी चीज़ें। कॉपीराइट के लिए कॉपीराइट ऑफिस और मानव संसाधन मंत्रालय जिम्मेदार होता है, एक कॉपीराइट ऑफिस बना दिया गया है, और जो ह्यूमन रिसोर्सेज मानव संसाधन मंत्रालय है वो इसकी देखरेख करता है, निगरानी करता है, कोई भी अतिक्रमण ना कर सके इसके लिए ये मंत्रालय जिम्मेदार होता है। सर पेटेंट 20 वर्षों के लिए डिसाइड किया गया था, कॉपीराइट कितने वर्षों के लिए दी जाती है, तो दोस्तों भारत में कॉपीराइट 60 वर्षों तक दिया जाता है, फिर इसका कोई भी बिना अनुमति के उपयोग कर सकता है। मान लो मैंने गाना बनाया 20 साल की उम्र में, अब मैंने गाने को रिलीज़ कर दिया, मैं 80 साल तक उस गाने से रुपए कमा सकता हूँ, लेकिन 81वें साल कोई भी उस ज़माने में मेरे गाने को उठाकर कुछ भी बना सकता है, इंस्टाग्राम पर डांस कर सकता है, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये 60 साल तक प्रोवाइड किया जाता है भारत के अंतर्गत। इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं दोस्तों, हमने कॉपीराइट भी देख लिया, पेटेंट देख लिया, अब हम देखेंगे ट्रेडमार्क क्या होता है। ट्रेडमार्क दोस्तों बाजार में अपनी एक विशिष्ट पहचान स्थापित करने के लिए किसी भी कंपनी के द्वारा जो मार्क या निशान तैयार किया जाता है वो ट्रेडमार्क कहलाता है। तो चलिए देखते हैं ट्रेडमार्क के बारे में, पेपर में हमें क्या लिखना है ट्रेडमार्क में, क्योंकि ये सारा कंटेंट आपको पूरा का पूरा टू द पॉइंट प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसा कि आपके सिलेबस में, बशर्ते आपको अच्छे पढ़ना है। और अगर आप पूरी डिटेल में पढ़ना चाहते हो, पूरी बुक वगैरह परचेज करना चाहते हो, तो अभी डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से जी एस जीनियस अकेडमी का एप्लीकेशन, तो आपको थर्ड पेपर में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली दोस्तों। तो बाजार में अब ट्रेडमार्क की परिभाषा क्या लिखेंगे कि बाजार में विभिन्न उत्पादों के बीच अंतर को रखने के लिए जो मार्क प्रदान किया जाता है वो ट्रेडमार्क कहलाता है। आप देखकर ही पहचान जाओगे, अगर आपसे बोले कि एप्पल का निशान कौन सा है तो आप कोई पागल ही होगा जो इधर इधर हाथ करेगा, सब बोलेंगे ये एप्पल का है। कोई बोले गूगल कौन सा है तो गूगल वो हो जाएगा, मतलब देख के ही पहचान जाओगे। नाइकी का कौन सा है, मैकडोनाल्ड कौन सा है, तो ये आप देखकर पहचान किसके कारण
किसके कारण पा रहे हो? तो आप बोल दोगे सर ये मार्क के कारण, मार्क जो निशान है वो ट्रेडमार्क है। याद रखना कोई भी निशान या निशानों का संयोग सा है ये, कोई भी निशान या निशानों का संयोग जो एक उपक्रम कर वस्तुओं या सेवाओं को दूसरे उपक्रम की वस्तुओं या सेवाओं से अलग करने में सक्षम हो वह ट्रेडमार्क कहलाता है। मान लो कोई भी निशान या निशानों का समूह है जो एक उपक्रम को दूसरे उपक्रम की वस्तु या सेवाओं से अलग करने में सक्षम होता है वो क्या कहलाता है? ट्रेडमार्क कहलाता है। बिल्कुल सरल है, इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है। ट्रेडमार्क किसी वस्तु या सेवा का विश्वास जीतने, ये विश्वास है याद रखना, ये विश्वास वाला विश्वास है, ये विश्वास जीतने के लिए तथा उन्हें अन्य वस्तुओं से अलग दिखाने के लिए बाजार में अपनी छवि बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब आप जैसे ही जाते हो आप बोलते हो प्यूमा का चाहिए भैया, मॉर्निंग वॉक के लिए हमें प्यूमा का जूता चाहिए। अगर आप जाते हो कि भैया अगर आप दमदार हो तो आप वुडलैंड का जूता खरीदने जाते हो, हमें वुडलैंड का चाहिए। आप कपड़े लेने जाते हो तो आप बोलते हो कि भैया हमें तो ये कपड़े चाहिए, इस ब्रांड के कपड़े चाहिए। तो आप उस ब्रांड को उस लोगो की छवि के द्वारा लेते हो। आप देखते हो पीटर इंग्लैंड का हल्का सा लोगो लगा है तो आप सीना तान के खड़े होते हो, पीटर इंग्लैंड है, पीटर इंग्लैंड। याद रखना बहुत लोग देखे होंगे आपने, चिल्ला चिल्ला के बताते हैं तो पीटर इंग्लैंड। तो ये सब क्या है? ट्रेडमार्क है, विश्वास जीत रहे हैं, छवि बनाई है उस पीटर इंग्लैंड ने, इसके कारण क्या हो पा रहा है वो मार्केट में उतर पा रहा है। तो ये रहा हमारा ट्रेडमार्क। अब सर ट्रेडमार्क के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 है। ट्रेडमार्क के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन DIPP डिपार्टमेंट क्या होता है? जिम्मेदार होता है। ट्रेडमार्क प्राचीन काल से प्रयोग में लाए जाते हैं जब कारीगर अपने उत्पादों पर हस्ताक्षर या चिन्ह छोड़ जाते थे। आपने देखा होगा प्राचीन काल में बड़ी बड़ी मूर्तियां रहती हैं, मंदिर रहते हैं, उनके बाहर सिग्नेचर मिलते हैं। तो हर एक व्यक्ति चाहता है यार कि मैंने जो चीज़ बनाई है उस पर मेरा निशान हो। तो जब भी ये निशान रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके ट्रेडमार्क कहलाते हैं। क्लियर हो गया? विशिष्ट पहचान और छवि प्रदान करते हैं ट्रेडमार्क। जैसे कि ये जीएस जीनियस एकेडमी का ट्रेडमार्क है, लोगो आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं दोस्तों भौगोलिक संकेतक, जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग क्या होते हैं। आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार की साड़ियाँ रहती हैं, किसी क्षेत्र विशेष पर जो अधिकार दिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? GI, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। चलो पढ़ते हैं इनके बारे में पूरा का पूरा डिटेल में कि सर हम पेपर में कैसे लिखेंगे अगर 3 नंबर में या 5 नंबर में क्वेश्चन आ गया तो। चलिए, ऐसे संकेत, अब सुनना, ऐसे संकेत जो वस्तुओं जैसे कृषि उत्पाद हो गया, कृषि उत्पाद में क्या जाएगा? चिन्नौरी चावल आ जाएगा, नागपुर के संतरे आ जाएंगे, या विनिर्मित वस्तुओं जैसे आपने देखा होगा कि भैया आगरा का पेठा आ जाएगा, मुरैना की गजक आ जाएगी। तो पहचान एक देश के राज्य क्षेत्र में उत्पन्न होने के आधार पर करता है भौगोलिक संकेतक कहा जाता है। मतलब किसी देश के राज्य के क्षेत्र विशेष में जब कोई एक विशिष्टता आ जाती है, कोई विशिष्ट उत्पाद बन जाता है, चाहे वो कृषि उत्पाद हो या विनिर्मित उत्पाद हो, उस पर उसे जो विशिष्टता हासिल होती है वो GI कहलाता है, भौगोलिक संकेतक कहलाता है, कि उस स्थान पर वो चीज़ क्या है? मायने रखेगी। तो वो GI टैग हो गया। अब भैया किसी वस्तु की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और अन्य विशेषताएं उसके भौगोलिक उद्भव के लिए अनिवार्य योगदान है। मतलब क्या लिख दिया इन्होंने? भौगोलिक उद्भव में अनिवार्य योगदान देती है। मान लो चंदेरी की साड़ी है तो वो चंदेरी में ऐसा वातावरण है, ऐसा एटमॉस्फियर है कि उस चंदेरी की साड़ी को वो अच्छा बना रहा है। अब गुजरात वाला व्यापारी चंदेरी की साड़ियां बनाने लग जाए तो गुजरात वाला वैसी क्वालिटी नहीं दे पाएगा, नाम भले वो चंदेरी की साड़ी रख दे। याद रखना जैसे इंदौर में मुरैना की गजक मिलती है तो वो मुरैना की गजक वैसी नहीं मिलेगी जो वास्तव में मुरैना में बन रही है, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फियर उस चीज़ को तैयार कर रहा है, वातावरण भी तैयार कर रहा है। तो याद रखना ये गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और अन्य विशेषताएं अपने आप नहीं आ जाती, वो भौगोलिक उद्भव में अनिवार्य योगदान देती हैं, ये इसका मतलब है। आपने देखा होगा कड़कनाथ मुर्गा वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो अब अपन देखते हैं, जैसे चंदेरी की साड़ी मैंने आपको बताया अपने आप में एक ब्रांड है, लेकिन यदि गुजरात कोई व्यापारी अपनी साड़ी चंदेरी की साड़ी के नाम से बेचता है तो वह ना तो ऐसी गुणवत्ता दे पाता है जो चंदेरी की साड़ी में होती है, इससे उस क्षेत्र की छवि भी खराब होती है, इसलिए क्षेत्र विशेष में बेचा जाता है। नागपुर के संतरे नागपुर में ही अधिकतर बेचे जाते हैं, मतलब उस क्षेत्र विशेष में बेचेंगे, लेंगे दुनिया भर के लोग लेकिन क्षेत्र विशेष में बेचते हैं, जैसे कि आपने देखा है चंदेरी की साड़ी। सामान्यतः एक भौगोलिक संकेत के माल की उत्पत्ति के स्थान का नाम शामिल होता है, मतलब सीधा सीधा बोलना चाहते हैं कि जहां पर जो चीज उत्पादित होती है वहां का नाम उसमें शामिल होता है। जैसे आपने देखा होगा नागपुर के संतरे,
आगरा का पेठा, मुरैना की गजक। तो ये जगह का नाम भी उसमें क्या होता है, मुख्यतः शामिल कर दिया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके बारे में थी, हमारे भौगोलिक संकेतक। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई भौगोलिक संकेतक के लिए कौन कब लागू किया गया, एक्ट कौन सा डिपार्टमेंट है, तो देख लेते हैं। मथुरा का पेड़ा ये सब आपको मैंने बता दिया, इसके लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 लागू है। ये पेपर में आपको लिखना है, 5 नंबर में पूछे। तो इसके लिए कौन सा जाएगा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के अंतर्गत आप केस फाइल कर सकते हो। ये औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग DIPP और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। यही इसके विवादों को सुलझाता है, यही इस समय नियम बनाता है। यह अधिकार निजी ना होकर पूरे क्षेत्र या समुदाय को प्राप्त होता है। अब आगरे की साड़ी में मैं एक दुकान लगा लूं, मैं बोलूं कि कोई भी चंदेरी में साड़ी नहीं बेचेगा, या आगरा का पेठा आगरा में मेरे अलावा कोई नहीं बेचेगा, तो क्या हो जाएगा यार, आपका निजी नहीं है, सामूहिक है। घर घर चंदेरी की साड़ियाँ आप चंदेरी में प्राप्त कर सकते हो, आगरा का पेठे की दुकानें आप घर घर मिल जाएंगी आपको। तो ये क्या होता है, पूरे समुदाय को प्राप्त होता है, किसी एक व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। दोस्तों औद्योगिक डिजाइन इंडस्ट्रियल, ये भी बौद्धिक संपदा है, क्योंकि व्यक्ति पूरी बुद्धि के द्वारा उद्योग डिजाइन करता है। आपने कोई पार्ट्स बना दिए गाड़ी के, कोई नई चीज़ बना दी, तो ये आपकी क्या है, बौद्धिक क्षमता ही तो है, बुद्धिमत्ता है आपकी। तो देखते हैं औद्योगिक डिजाइन क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या होता है। औद्योगिक डिजाइन एक रचनात्मक, सुनना, औद्योगिक डिजाइन एक रचनात्मक गतिविधि है। क्या है, रचनात्मक गतिविधि होती है, क्योंकि ऐसा ही नहीं है कि कोई भी उठा के बना दे। वस्तु की बनावट या औपचारिक उपस्थिति बताता है, इसमें एक लेख और सजावटी सौंदर्य पहलू का गठन किया जाता है। ये क्या करता है, औपचारिक उपस्थिति बताता है। एक लेख आपने क्या कर दिया, उसका डिजाइन तैयार कर दिया, कुछ लेख कर दिए। अब एक डिजाइन के 3 आयामी विशेषताएं शामिल होती हैं, क्या क्या एक डिजाइन में शामिल होगा, या तो लेख की आकृति या आकार। आपने देखा होगा कि हार्ले डेविडसन पर जो हार्ले डेविडसन लिखा जाता है, जीएस जीनियस में आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति पेंसिल लेकर खड़ा है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक प्रकार का लोगो बना दिया उन्होंने, एक आकृति बना दी है। साथ ही साथ 2 आयामी सुविधाएं, मतलब 2D में कोई चीज़ तैयार कर दी, उसका मॉडल बना दिया है, गाड़ी इस प्रकार से होगी, उस प्रकार से होगी। साथ ही साथ पैटर्न रेखाएँ या रंग, कि इस रंग की हमारी चीज़ है, आप उसको चोरी नहीं कर सकते। मर्सिडीज़ में हमने इस प्रकार की पट्टी निकाली, आप उस पट्टी को नहीं निकाल सकते। तो ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, औद्योगिक डिजाइन हो जाएगा। अब चलते हैं इसकी आगे, देखते हैं किसी बाइक या गाड़ी का डिजाइन तैयार करना। अब आपने डिजाइन तैयार किया, आपने देखा होगा अलग अलग गाड़ियों के अलग अलग मॉडल रहते हैं, और कोई दूसरी कंपनी इन मॉडलों को नहीं चुरा सकती है, क्योंकि वो मॉडल बड़ी मेहनत से तैयार किए जाते हैं। अगर ऐसे तो कोई भी चुरा के सस्ती कीमत में बना दे, लेकिन नहीं, जूता चप्पल आदि के डिजाइन बनाना। अब इस प्रकार वुडलैंड ने एक मेहनत करके 30,000 रुपये का, 30,000 रुपये का एक जूता निकाला। अब वही की वही कंपनी चाइना ने उसको 300 रुपये में निकाल दिया, तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसने रिसर्च की है, उस पर उसका डिजाइन तैयार किया है, नहीं तो वो क्या कर देगा, कॉपीराइट के अंतर्गत या ट्रेडमार्क के अंतर्गत, औद्योगिक डिजाइन के अंतर्गत वो क्या कर देगा, केस कर देगा। मोबाइल के विभिन्न डिजाइन तैयार करना, मोबाइल अलग अलग प्रकार के मोबाइल कवर बना दिए जाते हैं, मोबाइल के ऊपर ऊपर आपने देखा होगा संरचना बनाई जाती है, तो वो भी वस्तु पर लगा लोगो केवल ये बताता है कि वे वस्तु उस कंपनी की है। वस्तु पर लगा लोगो, नाइकी का लोगो बताएगा कि नाइकी का है, प्यूमा का लोगो बताएगा कि वो प्यूमा का है, लेकिन कोई प्रोडक्ट बाजार में चलता तब है जब उसकी डिजाइन विशिष्ट होती है। अगर मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही जैसे कपड़े बना रहा हूँ, मेरी कंपनी कपड़े बनाती है, तो कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन वो लोगो तो सेम रहेगा, लेकिन मैं अलग अलग डिजाइन बना रहा हूँ, कभी सेंडो बना रहा हूँ, कभी मैं अलग बना रहा हूँ, कभी 2-4 प्रकार की नई नई चीज़ें डाल रहा हूँ उसमें, तो वो चीज़ विशिष्ट डिजाइन के कारण मार्केट में बिक जाती है। याद रखना, कारों का अपना अलग अलग डिजाइन होता है। अब डिजाइन के लिए क्या होता है, न्यू डिजाइन एक्ट 2000 के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। ये न्यू डिजाइन एक्ट 2000 के अंतर्गत प्रदान किया जाता है कि आपका कौन सा डिजाइन है। ये DIPP और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री वही की वही रहेगी जो कि हमने इससे पहले भी देखी थी। तो इतना आपको क्लियर हो गया, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं ट्रेड सीक्रेट्स। दोस्तों ये ट्रेड सीक्रेट्स बहुत, मतलब व्यापारिक गोपनीयता बोलेंगे हिंदी में, ये भी अपने आप में बहुत महत्व रखती हैं। क्यों महत्व रखती हैं, क्योंकि ये भी क्या होता है, आप मान लो मैं व्यापार कर रहा हूँ, मान लो मैं चला रहा हूँ पूरा का पूरा संस्थान, मैंने पटवारी के नोट्स इस प्रकार तैयार किए हैं कि एक बार कोई उन्हें पढ़ लेगा तो वो पेपर में पास हो जाएगा। मैंने उस पर रिसर्च किया 6 महीने अच्छे से लगकर,
जब लोग जल्दी जल्दी चीज़ें निकाल रहे थे, मैंने रुका और मैंने चीज़ें बनाई। अब पता चला मेरे यहाँ कोई कर्मचारी है, उसने उठाई वो चीज़ें और किसी को बेचाया 200 रुपये में। तो अब सुनना, मैंने इतनी मेहनत करी 6 महीने की, मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसी के लिए क्या होता है, ट्रेड सीक्रेट व्यापार की गोपनीयता होती हैं। ये गोपनीय सूचना पर अधिकार है जिन्हें बेचा या लाइसेंस दिया जा सकता है। याद रखना, आप पहले ही आपकी गोपनीयता का लाइसेंस ले सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि मान लो शराब बनाने की नई प्रक्रिया, कोई कंपनी ने शराब बनाने की नई प्रक्रिया ढूंढ निकाली है जिसके कारण स्वादिष्ट और जल्दी चढ़ने वाली शराब बन जाती है, तो वो उस पर क्या कर सकता है, गोपनीयता ले सकता है, ट्रेड सीक्रेट के अंतर्गत उसे रजिस्टर्ड करा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा गुप्त सूचना, अर्थात कोई ऐसी जानकारी जिस पर कंपनी का पूरा उत्पाद निर्भर करता है। मतलब गुप्त जानकारी कैसी है, जिस पर कंपनी का पूरा उत्पाद निर्भर करता है। शराब कंपनी की तो शराब ही मुख्य है। जैसे आईसी चिप बनाने वाली कंपनियां होती हैं, कंप्यूटर में आईसी चिप तो सब बना रही हैं, लेकिन किस तरह से उसमें आईसी लगाई गई है, कितना कम जगह ले रही है, ये भी तो उस कंपनी की एक अपने आप में क्या रहती है, विशिष्टता रहती है। अब उसको कोई चुरा ले तो चलिए देखते हैं। अमेरिका की आईसी चिप बनाने वाली कंपनी के एक वर्कर ने चीन की कंपनी को आईसी चिप का फॉर्मूला बता दिया, जिससे उसे करोड़ों का नुकसान हो गया। अमेरिका की कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो गया क्योंकि वो चिप बाजार में निकालने वाली थी, मार्केट में निकालने वाली थी, लेकिन दोस्तों चीन ने उससे पहले लॉन्च कर दिया, तो क्या हो गया, नुकसान हो गया। ये व्यापार की गोपनीयताओं का हनन हो गया। अब सुनना, गुप्त जानकारी का अधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या प्रकटीकरण किसी व्यक्ति द्वारा ईमानदार वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धाओं के विपरीत एक अनुचित व्यवहार है, और यह व्यवहार व्यापार के लिए गुप्त संरक्षण का उल्लंघन है। मतलब व्यापार में वो ही चीज़ लिख दिए कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो व्यापार के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, वो गोपनीयता को भंग कर रहा है, इसके लिए उसे सजा हो सकती है। तो बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत दोस्तों अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, जो भी मापक थे हमने, मतलब जो भी हमने मापन तैयार किए थे, स्टैंडर्ड तैयार किए थे, कॉपीराइट हो, वो ट्रेडमार्क हो, वो पेटेंट हो, भौगोलिक इंडिकेटर हो, गोपनीय सूचनाएं हो, औद्योगिक डिजाइन हो, ये सारे के सारे आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब सर इतना सब पढ़ने के बाद भी अगर पेपर में वो पूछ ले कि इन अधिकारों का अगर कोई दूसरा देश हनन करता है या भारत के अंतर्गत ही कोई हनन करता है, तो दोस्तों उस हनन करने की प्रक्रिया को इन्फ्रिंजमेंट बोला जाता है। और साथ ही साथ आप देखना, जो आपका ट्रेडमार्क और सेम टू सेम वही का वही मंत्रालय किसके लिए काम करेगा, गोपनीयता के लिए काम करेगा। अब इन्फ्रिंजमेंट, आईपीआर का उल्लंघन करना ही इन्फ्रिंजमेंट कहलाता है। अब देखेंगे हम आगे चल के कि भाई किस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में संस्थाएं बनी, कौन कौन सी व्यापार संस्थाएं, तो इन सारी चीज़ों पर हम आगे चल के दोस्तों बात करेंगे, आगे हम पूरी की पूरी चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको आगे की चीज़ें पढ़ना है तो अभी आप जाइए जीएस जीनियस अकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको टू द पॉइंट बिल्कुल बकायदा कोर्स के अंदर एक एक चीज़ एक एक लाइन व्यवस्थित मिलेगी जो आपके सिलेबस में पूछी गई है। तो दोस्तों टू द पॉइंट सटीकता अगर आपको थर्ड पेपर की चाहिए और आप वास्तव में डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी या नायब तहसीलदार या जो भी आप पोस्ट लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको थर्ड पेपर की बहुत अधिक आवश्यकता होगी। और आसान भाषाओं में जैसे मैंने पढ़ाया वैसे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आप चाहते हैं लेना तो अभी जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप हमारी 10 यूनिट की बुक परचेज करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।